हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एवेन्यू। माय नेम इज़ गौतम गुप्ता। आज का सेशन थोड़ा स्पेशल रखा है मैंने। देखिए, आजकल जो हमारा यूथ है वो स्पेशली सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। आज का यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे, जैसे आपका फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी इंग्लिश सीख सकते हैं, बस आप उसका सही यूज़ करना सीखें। देखिए, अगर हम ट्विटर की बात करें, ट्विटर पे आपको बहुत ऐसे नॉलेजबल लोग मिलेंगे जो अपनी बातों को बयां करते हैं, और अपनी बातों को बयां करने के लिए वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखते हैं। तो जो काफ़ी अच्छी इंग्लिश लिखते हैं तो उस इंग्लिश को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे एक शशि थरूर का एग्जांपल ले लीजिए, शशि थरूर जब कोई ट्वीट लिखते हैं तो उसमें वर्ड्स काफ़ी इतने अच्छे होते हैं कि बहुत मतलब काफ़ी नॉलेजबल लोग, काफ़ी अच्छे अच्छे अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आती है, तो इतने अच्छे वर्ड वो यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ट्वीट से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आज एक स्पेसिफिक ट्वीट है मेरे पास जो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो आज इस ट्वीट को मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप इस ट्वीट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कौशल खंबाट का ट्वीट है ये। अगर आप इस ट्वीट को ध्यान से पढ़ें तो ये ट्वीट कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ अस सफ़र फ्रॉम एलेक्सिथाइमिया, द ओनली क्योर इज़ टू जस्ट डू इट, इफ़ यू डोंट फोक्स विल वंडर व्हाई यू ड्वेल अराउंड क्रोनिंग अबेट्स, योर डिस्फोरिया विल नेवर अबेट, ट्राइंग माई हैंड एट फाइंडिंग क्विक फिक्स सोल्यूशंस, आई एम बींग एन अल्ट्रा क्रिपिडेट, बट वॉट द हैक। आइए अब देखिए, अगर आप इस ट्वीट को पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे। जैसे एक वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है एलेक्सिथाइमिया, एक वर्ड आपको दिख रहा है फोक्स, एक वर्ड आपको दिख रहा है ड्वाल, नाउ सी अनदर वर्ड यू आर गेटिंग, क्रोनिंग, यू गेट अबेट्स, यू आर गेटिंग डिस्फोरिया, यू आर गेटिंग अबेट, नाउ यू आर, यू कैन सी अ न्यू वर्ड अल्ट्रा क्रिपिडेट, क्विक फिक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ट्वीट को समझने के लिए ये सारे वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये वर्ड सारे समझ लिए तो आपको ट्वीट बड़े आराम समझ में आएगी और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। तो आइए हम सबसे पहले इन ट्वीट को समझने के लिए इन सारे वर्ड्स को समझते हैं। आइए देखिए, पहला वर्ड है एलेक्सिथाइमिया। एलेक्सिथाइमिया एक तरह की बीमारी होती है। इस बीमारी क्या, एक तरह की एक इलनेस है। इसमें आप एक ये कह सकते हैं कि एलेक्सिथाइमिया में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी बात को बयां नहीं कर पाते, उन्हें अपनी बातों को बयां करने में मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम कहते हैं एलेक्सिथाइमिया। और सही बताएं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को बयां नहीं कर पाते, अपनी अपने जो भी उनके दिल में चल रहा है उसको, बात को अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाते, कह नहीं पाते, तो इसे हम कहते हैं एलेक्सिथाइमिया। फोक्स का मतलब होता है पीपल, कॉमन है फोक्स, बहुत बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, कॉमन है फोक्स, इनफॉर्मल वर्ड है वैसे। ड्वाल का मतलब होता है ड्रीमी, अब्सेंट माइंडेड, बिम्यूज, परप्लेक्स, यानी आप ड्वाल का एक्चुअली आप इसका मतलब होता है कि जब आदमी नींद से उठता है या नींद में होता है तो वो कन्फ्यूज्ड होता है, ठीक है। जैसे आप सुबह सुबह तुरंत उठेंगे तो आपका माइंड पूरी तरह से काम नहीं करता क्योंकि आप थोड़ा बहुत नींद में होते हैं, ठीक है, तो आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ड्वाल। नेक्स्ट वर्ड है क्रून। क्रून मीन्स टू हम इन ए सेंटिमेंटल मैनर, मतलब क्रून का मतलब होता है कि आप हामी भर देना, जब आपको कोई बात, आप जब कुछ कह नहीं पाते, अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो सामने वाला जो भी कहता है आपका, तो हाँ यार इट्स ओके, तो उसको कहते हैं क्रून। अगला वर्ड अबेट्स। अबेट्स का मतलब होता है मॉर्निंग लव सॉन्ग्स। नेक्स्ट वर्ड डिस्फोरिया। आपने एक वर्ड सुना होगा यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और डिस्फोरिया उसका जस्ट अपोजिट है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस, मिटिगेट, लेसन। अगला वर्ड है क्विक फिक्स। भाई जैसा कि नाम से लग रहा है क्विक फिक्स, यानी अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन आप तुरंत निकालेंगे, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन अगर आप तुरंत निकालेंगे तो वो टेम्प्रोरी सोल्यूशन नहीं होगा, वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन निकालने में टाइम लगता है। अगला वर्ड है अल्ट्रा क्रिपिडेट। अल्ट्रा क्रिपिडेट क्या होता है? अल्ट्रा क्रिपिडेट में क्या होता है कि आप उस एरिया में भी चले जाते हैं जिस एरिया के बारे में आपको जानकारी नहीं है, यानी आप उस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जिस क्षेत्र के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उसको कहते हैं अल्ट्रा क्रिपिडेट। तो ये सारे वर्ड हैं। अब आइए हम ट्वीट को समझते हैं। ट्वीट कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ अस सफर फ्रॉम एलेक्सिथाइमिया, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो एलेक्सिथाइमिया से पीड़ित हैं, यानी अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। द ओनली क्योर इज टू जस्ट डू इट, इसका एक ही तरीका है कि आप करिए, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करिए, भले आपको ना समझ, भले आप अच्छे से ना कर पाए, लेकिन आप कोशिश पूरी करिए। इफ़ यू डोंट, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फोक्स विल वंडर वाई यू ड्वेल अराउंड क्रोनिंग अबेट्स, लोग सोचेंगे कि आप मतलब ऐसे क्यों बिहेव करते हैं कि सुबह सुबह अभी उठे हैं, ठीक है, और कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है। योर डिस्फोरिया विल नेवर अबेट, आपकी परेशानी का कभी भी अंत नहीं होगा। ट्राइंग माई हैंड एट फाइंडिंग
क्विक फिक्स सोल्यूशन, मैं अपना हाथ आजमा रहा हूँ इसका क्विक फिक्स सोल्यूशन निकालने के लिए, यानी तुरंत सोल्यूशन निकालने के लिए। आई एम बींग एन अल्ट्रा क्रिपिडेट, मैं अल्ट्रा क्रिपिडेट हो रहा हूँ, यानी मैं अब उस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ जिस एरिया के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस एरिया के बारे में अगर आपको जानकारी है उसको अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उस एरिया को कैसे एक्सप्रेस करेंगे जिस एरिया के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो अगर आप उस एरिया में भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, यानी जो भी आपको मिल रहा है, जिस बारे में भी आपको बात करनी है, आप बातें कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? आप अल्ट्रा क्रिपिडेट हैं, व्हाट द हैक। लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा ट्वीट था, ये ट्वीट में कौंसल का बात ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग भी एलेक्सिथैमिया से पीड़ित हैं वो लोग अपनी बातों को बयां करें, ठीक है, पूरी कोशिश करें, ठीक है, अपनी बातों को बयां करें, ठीक है, जो भी वो कहना चाहते हैं उसे कहें, ठीक है, भले उस एरिया के बारे में भी बात करें जिस एरिया के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, उस एरिया में बारे में बात करें, ये प्रॉब्लम जो एलेक्सिथैमिया की है धीरे धीरे दूर हो जाएगी, ये वो कहना चाहते हैं।